मिल्क शेक हमारा बहुत फटाफट और बहुत टेस्टी बनता है, इतना टेस्ट बनता है अच्छा कि इसको हम बता नहीं सकते कितना टेस्टी होता है। इसलिए आप लोग भी बनाकर देखें और ट्राई करके देखें, फिर बताएं हमें कैसा बना। चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। आज हम बताएंगे स्ट्रॉबेरी का जूस कैसे बनाते हैं, मिल्क शेक बनाएंगे। अभी हमारी आधा किलो करीब स्ट्रॉबेरी होगी, इसको हम ऐसा इसका निकाल लेंगे, छिलका से बाहर कर लेंगे, ऐसा निकाल देंगे इसका। और फिर इसको ऐसा कट करेंगे, सब ऐसे कट करके लेंगे। फिर इसके बाद जार में डालकर इसको पीसेंगे। स्ट्रॉबेरी के बहुत फ़ायदे हैं, इसमें बहुत विटामिन सी होता है, बहुत हेल्दी होता है, बच्चों और बड़ों के लिए सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और सीज़न का फ्रूट तो कोई भी हो बहुत फ़ायदा करता है, इसलिए सीज़न का फ्रूट हमेशा बच्चों को खिलाने का और ख़ुद भी खाने का। अभी हमारी पूरी कट गई है, अब इसको एक जार लेंगे, इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसमें एक कप के करीब शक्कर डालेंगे। स्ट्रॉबेरी थोड़ी खट्टी होती है, इसलिए इसमें शक्कर डालना ज़रूरी है, बगैर शक्कर के नहीं बना सकते इसका मिल्क शेक। फिर ये 8 से 10 पीस हमने आइस क्यूब ले लिए, उसको डाल देंगे और इसको अब पीस देंगे। इसको हमने जार में ग्राइंड कर लिए। अब इसको देखकर ही हमको मालूम हो रहा कितना अच्छा बनेगा, कितना टेस्टी बनेगा ये। अब हम आपको बनाकर दिखाते। अब ये 2 ग्लास ले लेंगे, अब इसमें आधा आधा गिलास जूस डाल देंगे और फिर इसमें मिल्क डाल देंगे। वाह क्या टेस्टी दिख रहा है, वाह क्या मस्त दिख रहा है। अब इसमें आइस क्यूब डाल देंगे, अभी हमारा सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी तैयार हुआ है मिल्क शेक हमारा। आप लोग भी बनाएं और इन्जॉय करें और बच्चों को भी पिलाएं और आप लोग भी पिएं। ये रेसिपी हमारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें, और नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।